अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हालचाल है? आप ठीक हैं? सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है शाजी भाशमी जी। मेरा नाम है शुएब शहबाज। हो गए, जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं, बड़ी मजे की वीडियो है, क्योंकि खाने के रिलेटेड है। वो इसलिए है क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप रील्स वगैरह पर रिएक्शन दिया करें। आप लोग कुछ नया ट्राई करें, कि इंडिया का जो कल्चर है या फिर इंडिया का जो फूड है उसके रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड कर दिया करें। सो उन्होंने कहा था इंडियन फूड स्ट्रीट, अच्छा इस पर रिएक्शन देने को। तो जब मैंने इसको सर्च किया यूट्यूब पे तो मुझे ये एक वीडियो मिली है। मैंने कहा चले ये देखते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी कहूँगा कि ये आप लोगों का इंटरेस्ट होता है, और कुछ लोग जो कमेंट करते हैं आप रील्स पर रिएक्शन याद दिया करें, अब आप लोगों का इंटरेस्ट ही उस जगह पे होता है। सो हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे किस तरह हम लोग आएंगे। सो आप लोग यहाँ पे भी अपना प्यार दिखाया करें, इंटरेस्ट दिखाया करें, तो इस तरह की भी वीडियोज आएंगी। सही है। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। फेमस दाल पकवान सिंधी स्टाइल, पूरी चनों की दाल है, काफ़ी ज़्यादा दाल है सिंधी। तो आई मीन इधर फूड सिंधी पकौड़ा, ये चने की दाल है जनाब, शायद ये तड़का लगा रहे हैं। ये तड़का लग रहा है ना, तड़का लग रहा है। फूड कितनी फुल और बाहर में कितनी ब्रेड फेंक रहे हैं अंदर। हिंगे बाद में कुछ पकौड़ा ठीक है, सीन है। क्या लग रहा है, मजे की लग रही है ना वैसे देख के। ये है जय शंकर नाश्ते के नाम से एक अच्छा अच्छी चीज है। जाने वाले इतने कस्टमर आगे खड़े हैं तो स्पीड बंद जाती है। ये क्या है, पापड़ टाइप है, थाल के साथ पापड़। हमें लिटरली देखें तीन पड़ी हैं। ये हलवा, हलवा फैशन का है ये हलवा। रात के टाइम, रात के 11 बजे कुछ मिनट है, 11:30 हो रहे हैं, हम भी नाश्ता कर रहे हैं। हाँ हाँ चलेगा चलेगा। मैं पता है ये देखना कितनी ज्यादा खुले, लेकिन बाहर नहीं गई थी, बड़ी मजे की चीज़ है। गाड़ी बनी है ना वो इस तरह होती है। ये चने हैं या फिर चने की दाल है? वो चनों की दाल है, ये दाल के चने हैं, ये लहीम है, ये लहीम लग रही है। हाँ हलीम, हलीम हलवा, हलवा पूड़ी, हलवा पूड़ी नहीं हुए। अच्छा आई थिंक ये छोटी चीज़ है ना, ये स्वीट होता है, मीठी होती है हलवे के साथ। नहीं पूड़ी है यार, ये ब्रेड है और ये क्या है, बड़ा मजे की चीज़ है। ब्रेड के लिए पता नहीं किस तरह का टेस्ट होगा इसका, कमेंट में बताइए अगर आप में से किसी ने ट्राई किया कैसा टेस्ट है। ये मुंबई में मेरे हाथ से कोई दुकान है जो ऊपर लिखा हुआ है ना, बीच में फेंक रहा है वो ब्रेड, टूटेगी नहीं यार, बड़ी लोहे वाली ब्रेड है यार। ये चटनी मजे की लग रही है। हाँ ये मुझे अच्छी, पुदीना की लग रही है, पुदीने की जो तांबी कहते हैं ना, छोटे बर्तन होता है। दे रहा बस, दो दाल दे दो बस। बड़ा मजे का लग रहा है यार। ये अंदर मेरे यहाँ से जो चीज़ फेंकी ये उसमें होगा शायद नमक ज़्यादा, जब डाल जाता है ना आटे को, आटे का पेड़ा डालते हैं, हम कहते हैं कि उससे वो जो ना नमक जो है वो खींच लेता है आटा। अच्छा अच्छा ये भी नीचे सलाद है, सलाद शायद। अच्छा ये बार बार घुमाता जा रहा है, लाइक बार बार घुमाना पड़ता है इस सालन को, लाइक इसे कहते हैं कोटा।
क्या कोटा लगाना पंजाबी में तो ये कहते हैं कोटे वाली दाल बड़ी मुझे घुमाते रहते हैं ये हाँ इसको मिक्स करते हैं हाँ वो जब से स्टार्ट हुई है बेचारे तब से घुमा रहा है ये तो चला हो जाएगा चक्कर खा के ये बचपन में आप में बिजनेस इतना कर रहा था और क्या उसका तो स्टेप भी ये होता है जो फेंक ही जा रहा है ब्रेड दोबारा ये फेंक रहे मसाला अच्छा बेटा नहीं तो ये है हरा धनिया शायद काफी कुछ लग रहा है इसमें तो लगता है फिर तड़का लगाएंगे डूट क्यों मुझे लग रहा है कौन सी बातें कर मुझे लग रहा है मैं शेफ नहीं हूँ आप हमें कहेंगे जिमनास्टिक की वीडियो देखने हम जिमनास्टिक बन रहे आप हमें कहेंगे कंफू कराटे देखने हम कंफू कराटे वाले बन रहे अभी हम जरा बबरची बन गए यार ये ऊपर ये क्या डाला मैदे की बनी हुई है कुछ चीज इसका नहीं पता तड़का तड़का देखा तड़का लगा है जोर का तड़का हाय जोर उससे लगा तड़का लगा हाय लगा अच्छा यार बहुत सिमिलर है यार सिमिलर है इंडिया और पाकिस्तान लिटरली बहुत सिमिलर है चलेगा नहीं ये भी ऐसे ही मुझे लग रहा है कराची वाली साइड में कोई वीडियो बननी है या फिर ऐसा ही वो भी लाहौर अंदरून लाहौर में ऐसा कराची जरा वो किस एक्सेंट से भी लग रहा है यार हां से नॉलेज है सब और ये हमला हो रहा है ये भटूरे इसे ऐसे कहते हैं टूटिए फ्रिस्बी है नहीं फ्रिस्बी नहीं है क्या फ्रिस्बी तो नाम फ्रिस्बी रख ले तो हम खा नहीं सकते नहीं फ्रिस्बी तो मथे पर भेजती है वापस आके ये भाई मैं और वो जो हलवा था हलवा जाने में बनता है किससे सूजी हलवा बनता है मेहनत से मेहनत से लेकिन उसमें इंग्रेडिएंट जो है जाने में सूजी शक्कर अकल अकल ये सब कुछ होता है हलवा मैंने अच्छा मैं तब से पता क्या नोटिस कर रहा मेरा इसीलिए किसी चीज़ का लेवल थोड़ा सा कम हो ओए नहीं मेरा जो दोबारा यार ये बड़ा मजे का बहुत मजे की लग रही है ऊपर इसने वो जो पूड़ी है वो डाली है छोटी सी लड्डू डाल हाँ सुबहान अल्लाह वो खाऊँ तो मज़ा आ जाए मतलब साथ में ये अच्छा सालन वो है एज अ सालन यूज़ करें कड़ी हाँ वाह 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 क्या बात है डूड सुभान अल्लाह ऑनेस्टली भूख लग गया भूख लग गई ये भूखी वीडियो है हमारे लिए वाले भूखी वीडियो साबित हुई है नहीं ये ऑनेस्टली जिसने वीडियो के स्टार्ट में बोला है ये जो वीडियोस हैं ये बहुत अच्छी होती हैं अगर ऐसी वीडियोस पे आप लोगों का रिस्पांस हमें अच्छा आना शुरू हो जाए सो ऑनेस्टली हम बड़े शौक से इस तरह की वीडियोस पे रिएक्शन दें और हमें भी काफ़ी हमारा भी दिल करता है कि यार ऐसी वीडियोस पे हम रिएक्शन दें लेकिन हमारे जो ऑडियंस है या फिर आप जो हो ज़्यादातर वीडियोस जो हैं रील्स वगैरह पे या फिर इस तरह की आपको कुछ स्पेसिफिक बंदे ही अच्छे लगते हैं सो इस तरह की वीडियोस पे अगर आप लोग अपना प्यार दिखाओ ना पता लगे तो फिर आप लोग देखें यहाँ पे होता क्या हाशमी रिएक्शन में हैरान हो जाए आप बाकी मज़े की चीज़ थी अभी तो आई थिंक अगर मुंबई की ये जगह है तो वहाँ की अभी हमें एक ही शॉप देखने को मिली है एक शॉप की मजे को और अभी तो एक शॉप है अगर पूरे मुंबई को विजिट किया जाए और उनकी वीडियोस पे रिएक्शन दिया जाए तो काफ़ी कुछ आप लोगों को भी पता चले जिनको नहीं पता और हमें भी पता चले लेकिन वैसे एक चीज़ है जो करने वाली हमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं मुझे लग नहीं था रहा कि मैं मतलब कि दूसरा मुल्क है इंडिया का लग ही नहीं ऐसा लग रहा था अपना कराची की साइड पे ये सीन हो रहा है क्योंकि उनके लहजे भी और उसी तरीके से जिस तरह होटल्स वगैरह में रेस्टोरेंट में पड़ी होती है चीज़ें वैसे बिल्कुल पड़ी थी कोई डिफरेंट इवन के शक्लें भी क्योंकि आपको पता है आप सफ़र करते हैं तो शक्लें भी बदलती हैं तहजीब भी बदलती है तो सारा सेम लग रहा था और वैसे ऑनेस्टली मज़ा आया इस वीडियो पर रिएक्शन दे के और बाकी आपको रिएक्शन अच्छा लगे आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिए ख़त्म पीस आउट